नमस्कार, नो एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका सबका स्वागत है। आज मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ सात्विक को कि उसने उसका चैनल ओपन किया है। उसके चैनल का नाम है एस्ट्रो सात्विक। सात्विक, क्या यू नमस्कार सर। नमस्कार, थोड़ा अपने चैनल पे के बारे में बता सकते हो आप? या सर, आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू चैनल, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, आई विल बी डिलीवरिंग ऑल द कंटेंट फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम ब्लैंक चार्ट टू द D60, हाउ टू यूज सच डिविजनल चार्ट्स फॉर मेकिंग स्टनिंग प्रेडिक्शंस एंड हाउ टू टाइम इवेंट्स टू द डे यूजिंग दशास। सो एवरीथिंग विल कम आउट स्लोली, सो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब। गुड। तो आज ना हम शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले, और एक शेयर मार्केट में जो एक बड़ा बंदा था, जो नामी बंदा था, जिसने बहुत नाम कमाया था, उसके बारे उसका चार्ट अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और शेयर मार्केट में देखिए, पहले तो शेयर मार्केट होता है फिफ्थ हाउस, आपका स्पेकुलेशन। बट उससे भी बड़ी बात होती है जो कोई आपको बताएगा नहीं, मतलब निगलेक्ट करेगा, वो जो होता है सिक्स हाउस। सिक्स हाउस क्या होता है? 12th हाउस इज अ लॉस, 6th हाउस इज अ गेन, अपोजिट 7th प्रॉफिट। और 7th से 12th है, मतलब सामने वाले का लॉसेस है। शेयर मार्केट करना हो ना, तो सामने वाले का लॉस है तो वो आपका प्रॉफिट है, दैट इज अ इक्वल। ऐसा नहीं होता कि कभी भी शेयर मार्केट में आप प्रॉफिट जा रहे हो तो दूसरे भी प्रॉफिट जाए। वहाँ विन विन सिचुएशन नहीं है, वहाँ विन लूज विन सिचुएशन होती है। जब 10 लाख, 10 लोग 1-1 लाख लूज करते हो, तब तो आप 10 लाख कमाते हो। तो सिक्स लॉर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टेक्निक है कि आपका एसेंडेंट क्या है। आपका एसेंडेंट अगर जेमिनी है, तो आप थर्ड हाउस के कैरेक्टर, थर्ड हाउस के करियर बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपका एसेंडेंट अगर 11th है, तो आप 11th रिलेटेड एक्टिव। तो आप हम पहले देखेंगे एसेंडेंट। तो एसेंडेंट देखिए, उनका एसेंडेंट ही वर्गो है, जो गेन का है, मतलब दूसरों से गेन कमाना, वर्गो का कीवर्ड होता है लोन डेप्ट। लोन लोन डेप्ट। तो ये जो 6th हाउस के एनालिसिस है ना, स्टॉक मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिफ्थ और सिक्स दोनों देखना है। फिफ्थ और सिक्स लॉर्ड इस चार्ट में एग्जॉल्टेड है। सेकंड, बाकी की चीजें आपको सात्विक अच्छे से बताएगा, एक्टिवेशन और बाकी की चीजें बताएगा। सात्विक प्लीज या कैरी। सर, सर एक बेसिकली एक टेक्निक है पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट करने की, दैट वाज पब्लिश्ड बाय सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी लॉन्ग बैक। आई थिंक सुनील सर हैज डिकोडेड इट वेरी वेल। यस तो उसमें जो लगन की राशि होती है, वहां से आपका पूरा लाइफ का पर्पस दिख जाता है। आप क्लियरली सब लगन की राशि को देख के बोल सकते हो आदमी ये करने के लिए पैदा हुआ है, बराबर। और अगर लगन में कोई और प्लेनेट है तो उसका भी यूज करके इवन क्लियरली से दिस इज द पर्पस ऑफ दिस पर्सन। फॉर बराबर। एग्जाम्पल, टेक द चार्ट ऑफ बराक ओबामा। लगन में सैटर्न जुपिटर इन कैप्रिकॉन। सैटर्न जुपिटर कैप्रिकॉन में क्या बनाता है? ऑब्वियसली मिनिस्टर बनाएगा, बराबर। प्रेसिडेंट बनाएगा, लॉयर्स बना देगा। ही वाज अ लॉयर आल्सो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेक्निक। सेकंड पार्ट इज लगन और लगन में बैठे हुए प्लैनेट के अलावा जो राशि लगन में है वो सबसे उस इम्पोर्टेंट। हाउस में जाके देखिए, वहां से भी आपको बहुत क्ल्यू मिलेगा। लगन में अगर कैप्रिकॉन आ रहा है तो 10th हाउस में जाके देखिए। अब यस ब्रिलियंट। आपको 10th हाउस में जो प्लेनेट है उसका लॉर्ड कहाँ गया, कौन से योग बन रहे हैं, आपको जितना ज्योतिष आता है बेसिक, मतलब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट जो कुछ भी है सब लगाना है। बराबर। अब इनके चार्ट में देखो, वर्गो लगन आ गया, वर्गो द कीवर्ड इज लोन, और 6th हाउस देखना पड़ेगा। अब 6th हाउस बराबर। यस 6th हाउस में राहु की राशि है, एक्वेरियस, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, एंड बराबर 6th हाउस इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय वीनस, सेकंड लॉर्ड ऑफ वेल्थ एंड 9th लॉर्ड, बराबर। भाग्य और सबसे इम्पोर्टेंट 6th लॉर्ड एक्सॉल्ट हो गया 2nd हाउस में। सिक्स्थ और फिफ्थ दोनों भी। या अब एक्सॉल्टेड प्लैनेट को कैसे रीड करना होता है? एक्सॉल्टेड की बहुत सी थ्योरीज मार्केट में है, बट वन ऑफ द थिंग इज एक्सॉल्टेड प्लैनेट मींस ग्रेट इफेक्ट। बराबर अच्छा उसके बुरा वो बाद की बात होती है, उसको देखने के 10 तरीके और है, बट एक्सॉल्टेड का मतलब है ग्रेट इफेक्ट, उसका कारकत्व प्रोमिनेंटली काम करता है उस। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली प्रोमिनेंट, उसकी जो इंटेंसिटी रिजल्ट्स देने की होती है बहुत ही ज्यादा हो जाती है। बराबर। 6th लॉर्ड 2nd हाउस में एक्सॉल्टेड है, 6th लॉर्ड डेप्ट का है, 2nd हाउस इनकम की है। एक सेविंग सेकंड आप इसका पर्पस ऑफ लाइफ बता सकते हैं कि आदमी लोन लेके पैसा बनाएगा। बराबर। और सैटर्न कौन सी राशि में? लिब्रा में, ट्रेडिंग। लिब्रा इज अ साइन ऑफ ट्रेडिंग, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट। सोशल और जुपिटर का एस्पेक्ट है उसके ऊपर,
बराबर हाँ ओके, इट इज जुपिटर स्पेक्टर जस्ट एक्सपेंडिंग द थिंग, एक्सपेंड किया जा रहा है. ये टेक्निक आसान नहीं है, मतलब ये जो टेक्निक है व्हिच सुनील सर पब्लिश्ड, इट वाज BSP-14. बराबर यस दिस टेक्निक कैन आल्सो टेल यू द पास्ट लाइफ कि क्यों ये हो रहा है. इसके ऊपर बहुत लंबा आर्टिकल था, यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल, BSP-14 सर्च करोगे आप, या यू कैन बाय द BSP बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए सबसे बेस्ट वो चीज है. ओके बराबर और BSP-14 वाज लाइक ब्लॉकबस्टर, बट थिंग इज कि उसको यूज करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए वो लोगों के पास नहीं होती. लाइक एक एक सिग्निफिकेशन का पता होना चाहिए, बेसिक से बेसिक, और जिस दिन आपको वो पता लग जाएगी यू कैन जस्ट मास्टर द एस्ट्रोलॉजी. यस लाइक लॉर्ड राम के केस में कैंसर असेंडेंट था, फोर्थ हाउस में देखना है, सैटर्न वाज इन लिब्रा, एस्पेक्टेड बाय मर्कुरी 12th लॉर्ड, बराबर सैटर्न इज द 7th लॉर्ड, प्लेस्ड इन लिब्रा एस्पेक्टेड बाय 12th लॉर्ड, पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर है, व्हाई दिस पर्सन इज बॉर्न, व्हाट विल हैपन टू हिज वाइफ, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है. मतलब जब आप किसी की लाइफ का सबसे कोर पार्ट उसको सिर्फ एक राशि देख के बता दोगे, इट विल बी अ स्टनिंग प्रेडिक्शन. बराबर सेकेंड ओके इस सिमिलरली, या बोलो. सिमिलर सिमिलर इसमें सेकेंड टेक्निक आती है सैजी, जहां पे भी सैजी है आपका एसेंडेंट में, जब भी मतलब चार्ट में, वो आपको भाग्य का पॉइंट दर्शाता है। मतलब आप उस हाउस से, मतलब आप भाग्य उस हाउस से बढ़ा सकते हो जिसमें अभी वर्गो में है, फोर्थ हाउस में सैजी। तो सैजी इज व्हाट, सैजी आपका भाग्य बढ़ाएगा, बट मास्टर ही है सैजी, मतलब मास्टर ही है सैजी, मतलब क्या है, गुरु है जो मास्टर है, तो आपके वहाँ मास्टर ही रहती है। तो आप उस हाउस से बहुत कुछ कमा सकते हो। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो फ्लैट व्हीकल, तो आपको जैसे आई थिंक ये टेक्निक हमने पिछली बार भी शेयर की थी कि वर्गो एसेंडेंट में एक्टिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि ये टेक्निक का पूरा क्रेडिट रोहन सर को जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई स्टिल रिमेम्बर इट वॉज 2019 अक्टूबर, और मैंने सर को कॉल करी थी एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि सातु एक वर्गो असेंडेंट वाला जब भी घर या गाड़ी ले रहा है उसकी किस्मत चमक रही है. चमक रही है एंड आई टेस्टेड ऑन 10 चार्ट्स. मेरे पास एक चार्ट था, माई वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड वर्गो असेंडेंट, जिस टाइम पे उसने अपना घर बनाना शुरू करा, थर्ड स्टोरी, बिकॉज केतु वॉज इन द फोर्थ, बराबर ही वॉज द बोर्ड टॉपर एंड फर्स्ट टाइम दैट गाय टॉप, पहली बार उसने जिंदगी में टॉप करा, और किया कब, बोर्ड के टाइम पे, एंड ही गॉट द स्कॉलरशिप एंड एवरी थिंग, लाइक यू कांट इमेजिन. आई वॉज लाइक कैसे हो गया चमत्कार. तब उस पूरी साल वो उनकी थर्ड स्टोरी का काम चल रहा था, इट वॉज केतु इन द फोर्थ हाउस, केतु फोर्थ में होगा, आदमी थर्ड स्टोरी बिल्डिंग में रहता है. बराबर ओके सो सी दिस इज सच अ पावरफुल टेक्निक, तो आप फोर्थ हाउस एंड में क्या इसको है? आप बाकी हाउसेस, हाँ बोलिए बाकी। बाकी हेलो इसको बाकी हाउसेस में एक्सपेंड किया जा सकता है. लाइक वर्गो असेंडेंट के लिए इट वाज फोर्थ हाउस, सो यू कैन एक्टिवेट अ फॉर्चून समवेयर फ्रॉम फोर्थ हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स. सिमिलरली एक्वेरियस के 11th हाउस में चलेगा. बराबर ओके नाउ यू कैन यूज 11th हाउस सिग्निफिकेशंस. यू आप देख लेना, एक्वेरियस वाले का कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा, ऐसा नेटवर्क सर्कल होगा जो उसको बहुत ऊपर बूस्ट कर देगा लाइफ में. बराबर अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल ले लीजिए चाहे. बराबर ओके उनके नेटवर्क में दैट टाइम उनकी मदर इंदिरा गांधी की बेस्ट फ्रेंड थी आई थिंक. 11th हाउस इज द नेटवर्क, आप कैसे लोगों से मिल रहे हो, आपका नेटवर्क सर्कल कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, दैट्स द 11th हाउस. बराबर एरीज असेंडेंट जब फॉरेन जाते हैं या जब किसी धार्मिक यात्रा में जाएंगे उससे उनका फॉर्चून हो सकता है. बट सी बराबर दिस इज नॉट अ रेमेडी, यहाँ पे रेमेडियल कॉन्सेप्ट, क्योंकि रेमेडियल कॉन्सेप्ट काम बहुत ही कम करता है, या मैं बोलूँ करता ही नहीं है. दिस इज बेसिकली कर्मा, आपने बराबर कुछ करा उसका आपको रिएक्शन मिलेगा, आपने यस फोर्थ हाउस रिलेटेड कुछ कर्मा करा, एक्टिवेशन होगा, यू विल गेट सम रिजल्ट. तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन भी देखना पड़ेगा, अगर अच्छा ये कॉम्बिनेशन है तब वो काम करता है. दूसरा दशा सबसे इंपॉर्टेंट है कि दशा क्या सपोर्ट कर रही है उस चीज को, और उससे भी ज्यादा मेन ट्रांजिट, कि क्या ट्रांजिट ट्रांजिट भी फेवरेबल है डिलीवरी के लिए. बराबर अगर दशा फेवरेबल होगी, ट्रांजिट फेवरेबल होगा, फिर तो आप उस चीज को एक्टिवेट करके रिजल्ट ले लोगे. बट यस अगर है ही नहीं चार्ट में, देन यू कांट डू एनीथिंग. सही में लाइक मेरे जो फ्रेंड था उसकी दशा भी आई थिंक फोर्थ लॉर्ड की चल रही थी उस टाइम पे, एंड ट्रांजिट बराबर वाज वेरी फेवरेबल एट दैट टाइम. अच्छा सो उनका घर बना साइमल्टेनियसली टॉप. यस स्टूडेंट लाइफ में तो आप एजुकेशन ही देख सकते हो ना, साइंस से या हायर एजुकेशन। बट इट वाज द फर्स्ट टाइम, लाइक इवन दैट गाय वाज शॉक्ड कि ये कैसे हो गया. बराबर अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में इस केस में यू ऑल नो हर्षद मेहता का सबसे बड़ा शौक गाड़ी,
पहली इनकम आई थी तब भी आया था, उन्होंने गाड़ी ली थी और उनके भाई ने उनको, लाइक अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी तो उनके भाई ने बोला था इतनी गाड़ी होगा क्या करेगा, इससे क्या होने वाला है, तो ही वॉज लाइक सब होगा गाड़ी से ही होगा. बराबर ओके सो हर्षद मेहता जस्ट वेंट ऑन बाइंग न्यू कार्स. ओके एट दैट टाइम उनके पास 20-25 गाड़ियां थी, 20-25 गाड़ियां 1992 में बहुत ज्यादा होती है, और उनका घर भी बहुत ही बड़ा था, 4th हाउस. ओके दैट गाय मतलब उनका बहुत ही ज्यादा उन्होंने स्पेंड करा है घर और गाड़ी के ऊपर, जबकि उनके भाई ने उन्हें एडवाइस भी करा था कि इतना करने की क्या जरूरत है. बराबर तो दैट्स वाज वन ऑफ द रीजन कि उनका जो फॉर्च्यूनर वाज राइजिंग लाइक एनीथिंग. ओके दैट वाज वन ऑफ द एक्टिवेशन. बट यार उसके लिए दशा और ट्रांजिट सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये करना रेमेडी चाहिए। का तो है नहीं, क्योंकि आप हियर यू आर पुटिंग अ कर्मा. ओके बराबर यू आर डूइंग समथिंग, उसका आपको रिएक्शन मिल रहा है. यहाँ पे वो टोटका वगैरह कुछ नहीं हो रहा है कि कुछ मैजिक हो जाएगा. बराबर ओके तो आप इस टेक्निक को बाकी जगह एक्सपेंड करिए, यू कैन गेट लाइक जेमिनी असेंडेंट्स, सेवन फॉर्च्यून कैन राइज आफ्टर गेटिंग मैरिड, बराबर और दे कैन गो टू फॉरेन लैंड्स आफ्टर गेटिंग मैरिड. सेवेंथ ठीक। हाउस इज अ सेजिटेरियस साइन. और वो सैजी जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है सेकंड हाउस में। या वो जुपिटर सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होता है. सो थिंग इज हाउ आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, हाउसेस के बेसिक्स पता होनी चाहिए, राशि की क्वालिटी पता होनी चाहिए, और यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का एक्टिवेशन, लाइक वर्गो असेंडेंट के लिए अगर वो अपना पास अच्छा पेन रखेंगे, अच्छी तो भी होता है रिस्ट वॉच रखेंगे, देन देयर करियर विल बी वेरी गुड, बिकॉज 10th हाउस में जेमिनी है, जेमिनी का साइन होता है रिस्ट वॉच पेन. लिब्रा के 3rd हाउस में सेगिटेरियस चले गया. मेरे बहुत से लिब्रा असेंडेंट्स देख लिए, उनको सिर्फ एक चीज का शौक होता है, महंगी घड़ी, घड़ी लाइक 20 लाख की घड़ी चाहिए, 25 लाख की घड़ी, उनको सिर्फ चाहिए घड़ी चाहिए, बराबर। या उनके पास ऐसा पेन होगा लाइक वो बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है. क्यों? क्योंकि 3rd हाउस में सेगिटेरियस है ना, सैजिटेरियस सेगिटेरियस साइन इज द साइन ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य, बराबर उनको भाग्य एक्टिवेट करना है, वो अच्छी घड़ी डालेंगे अपने राइट हैंड में, बिकॉज 3rd हाउस इज द राइट हैंड. एंड I've seen getting good results, but उसके लिए factors होते हैं, दशा and all must support. अच्छे time पे कुछ करोगे तब तो result मिलेगा, दशा ही ट्रांजिट खराब है तो उसमें कुछ सपोर्ट करना नहीं, चाहिए, ट्रांजिट दशा सपोर्ट होनी चाहिए। transit सब support करना चाहिए. और सेकंड उस पे गुली का मांडी भी देखना चाहिए, क्योंकि एक गुलिका एक केस में ना मांडी वर्गो एसेंडेंट में गुली का मांडी था फोर्थ हाउस में, तो उसका रिवर्स केस हुआ था। मतलब जब जैसे ही घर लिया था तो उसकी एजुकेशन वो सारी रुक गई थी 2-3 साल, तो सारी. गुली का ओके मांडी रिवर्स करते इफेक्ट कर देती, वही तो कॉम्बिनेशन है कि कॉम्बिनेशन अच्छा है कि बुरा है. बुरा है वो देखना चाहिए आपको। अब राहु सेगिटेरियस है इनके चार्ट में, राहु सेगिटेरियस आई हैव सीन इन मेनी चार्ट्स, पर्सन राइजेस वेरी वेरी हाई. बराबर राहु सेगी वाला आदमी बहुत ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है. राहु स्कॉर्पियो सबसे घटिया. राहु सैजी का एक टेक्निक है कि राहु सैजी में हो तो आपके ब्रदर इन लॉ, आपके फादर पैसे लोन पे लेते हैं और वापस चुका नहीं पाते। ये बहुत सारे या चार्ट में देखे, ये इवेंट बेस भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब एक ने मेरे को ये इवेंट बताया था कि मेरे ऐसे ऐसे साले ने मैं पैसा लिया है और ऐसा दिया ही नहीं। मैंने बोला आपका राहु सैजी में है क्या? तो ही सरप्राइज, बोलते सर आपको कैसे पता? मतलब ये राहु सैजी का कार्मिक कार्मिक या मतलब राहु पेंशन सेगी लेवल। आई हैव सीन इन मेनी चार्ट्स, बहुत ऊपर ले जाता है आदमी को, इमोर्टल करने का वो रखता है, लाइक जस्टिस रंजन गोगोई जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर जजमेंट दिया है, बराबर लैंडमार्क जजमेंट, उनका राहु सेगिटेरियस है. अब आपको समझ आएगा कि क्यों उनको एक लैंडमार्क जजमेंट मिली, वो भी सबसे बड़ी वाली, है जिससे उनका नाम अमर हो चुका है अब लॉ के बुक्स में. धर्म के साइन में राहु सैजी, वो भी राहु सही, डेफिनेटेड। राहु इमोर्टेलिटी है, राहु ने अमृत पिया था, इट वाज इट हैज इमोर्टेलिटी, तो राहु जहां भी जाएगा वहां आपको अमर करने का पोटेंशियल रखता है. राहु सैगी आप देख लीजिए कितना अच्छा काम कर रहा है. और वो भी राहु धर्म का साइन स्कॉर्पियो, था, टेम्पल। हाँ धर्म, टेंपल, टेंपल, तो वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है. दूसरा राहु स्कॉर्पियो, राहु स्कॉर्पियो मेरा तो रूल है आई डोंट कंसल्ट राहु स्कॉर्पियो, चाहे कोई आ जाए, मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी भी आ जाएगा राहु स्कॉर्पियो होगा, आई विल नॉट सी द चार्ट, वेरी सिंपल. मैंने बहुत कम देखा कि किसी को अच्छा रिजल्ट दे गया और राहु स्कॉर्पियो. थर्ड इसमें ओके टेक्निक है, इसके 10th हाउस में जितने भी प्लैनेट है ना, ये सारे पुनर्वसु में है। तो पुनर्वासों पुनर्वसु में का एक कैरेक्टर है कि वापिस आता है, मतलब या बैक, उतने दो जोरों से हिटबैक करता है वो। तो करियर जितना भी हाई होगा वो वापस आ जाएगा नीचे। तो दैट इज द ऑल्सो कॉम्बिनेशन, सारे पुनर्वसु में। या
और सबसे मेन 10th हाउस केतु तीन बार जॉब चेंज कराता है, याद रखना, स्नैपशॉट है ये भी। 10th या 6th हाउस केतु, 6th हाउस केतु इन केस यू आर डूइंग जॉब, 3 बार जॉब चेंज करवाएगा। 10th हाउस केतु आपके प्रोफेशन में 3 बार आपका प्रोफेशन चेंज होना है। हर्षल मेहता ट्राइड आई थिंक 3 or more than 3 professions, मतलब मिनिमम 3 तो होता ही होता है, होता है 3 से ज्यादा भी मैंने देखा है, और वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते आदमी, उनको मतलब सेटिस्फेक्शन बहुत ही कम मिलती है। और जब लास्ट बार आदमी सक्सेसफुल होगा वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में ही सक्सेसफुल होता है, एक 3 बार जॉब करेगा, चौथी बार अपना बिजनेस करेगा, तब जाके वो थोड़ा सेटल होगा। दिस इज स्नैपशॉट फॉर 10th केतु, आप किसी भी चार्ट देख लेना। अब उनको ये बोलना कि 3 बार आपने जॉब चेंज करी है, उसके बाद आपने इंडिपेंडेंट काम शुरू करा एंड यू गॉट सेटिस्फाइड। पंडित संजय रथ जी एस 10th हाउस केतु, आई थिंक पहले इंजीनियरिंग फिर IAS देन ज्योतिष, बराबर। ओके 10th हाउस केतु बहुत ही ऐसा रिजल्ट देता है। दूसरी बात, एक और मुझे प्रोडक्टिव टेक्निक शेयर करनी थी, गुलिका मांडिका सर आपने नाम लिया था, गुलिका मांडिका जो नक्षत्र लॉर्ड होते हैं उनकी दशा कैन बी द वर्स्ट, बराबर। उनकी दशा कैन बी द वर्स्ट और द मार्क दशा, ये भी पंडित जी की टेक्निक है, मैंने उनकी बुक में पढ़ी थी और काफी चार्ट्स पे टेस्ट करी, आई फाउंड इट वर्किंग वेरी वेल। मार्क दशा देखनी है तो गुलिका मांडिका नक्षत्र लॉर्ड जरूर देखना, बराबर। दैट दशा कैन ब्रिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स टू यू, स्पेशली अगर गुल्लिका मांडी खराब है 11th हाउस में, तो धन योग बन गया। धन्य इलेवंथ बन हाउस का गुल्लिका मांडी दैट्स द बेस्ट धन योग, बराबर। इट कैन गिव यू मनी ऑल्सो, बट बाकी जगह इट्स नॉट दैट गुड। ओके, और फोर्थ, इनके चार्ट में, हाँ या सर आप कंटिन्यू करिए। फोर्थ मतलब टेक्निक है वीनस वाली जो 12th हाउस में है। तो वीनस क्या करता है, सारे प्लैनेट अपने से 11th में रिजल्ट देते हैं, सारे प्लैनेट अपने से 11th में देते हैं, बट वीनस ऐसा है प्लैनेट जो अपने से 3rd में रिजल्ट देता है, जो रिवर्स है। आई थिंक ये भी टेक्निक किसी मतलब सप्तऋषि चैनल पे मैंने भी देखी थी 2017 या 2016 में, नलिन ओके भाई देसाई ने शेयर की थी ये टेक्निक। या नलिन भाई ब्रिलियंट प्रोडक्टर, हाँ मैंने उनसे पर्सनली कॉल पर बात करी है, ऐसी धड़ाधड़ प्रोडक्शन करते हैं, आई कांट टेल। तो वीनस इसीलिए ना, देखो आप वीनस 3rd और 10th इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है अगर खुद अकेला बैठता है, क्योंकि ना वीनस 10th में अपना 3rd एस्पेक्ट 12th में जाता है और वीनस 3rd का एस्पेक्ट 5th पे जाता है, तो वो रोमांस लाइफ इसमें जाने में बहुत चांसेस होते हैं, तो वो वीनस 3rd और 10th को ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कहते हैं। वही वीनस 8th और 12th अच्छा कहते हैं, क्योंकि उसका 3rd एस्पेक्ट देखिए वीनस 8 का, वीनस 8 3rd एस्पेक्ट 10th पे आता है, वीनस 12th का 3rd एस्पेक्ट 2nd हाउस पे आता है, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। बट उसके आगे एक टेक्निक है, अगर D9 में वाटरी साइन में कोई प्लैनेट जाता है तो दैट इज द वर्स्ट, वो वर्स्ट हो सकता है आपके लिए। तो D9 की टेक्निक अलग है, बट मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, जितने भी 4, 8, 12 वाटरी साइन है D9 में, वहाँ जितने भी प्लैनेट जाए वो आपको नीचे ला सकते हैं, उसके कारकत्व आपको नीचे ला सकते हैं। ओके सर कंटिन्यू। या सर 12th हाउस वीनस बोलना, सर 12th हाउस वीनस इज द बेस्ट, यस मतलब किसी भी असेंडेंट के लिए 12th हाउस वीनस कैन बी द बेस्ट, लाइक 90% इवन सेट, बराबर। डिपेंडिंग ऑन बाकी कॉम्बिनेशन, क्योंकि दिस इज फ्री फ्रॉम ऑल द दोष, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर लग्जरी ऑफ हर्षद मेहता, लाइक लेक्सस गाड़ी 1992 में मुंबई में सिर्फ एक, तो बराबर। ये जो अलग लेवल का स्वैग आता है, दिस इज फ्रॉम 12th हाउस वीनस। एक मेरा सेम चार्ट है टू बी ऑनेस्ट, सेम चार्ट, हाँ सेकंड हाउस एक्सॉल्टेड सैटर्न, 12th हाउस वीनस, दैट पर्सन इज बॉर्न इनटू सच अ रिच फैमिली, लाइक ही डोंट नीड, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो कुछ ज्यादा करते हैं, यस बराबर। बट स्टिल उनका लाइफस्टाइल इज लाइक यू कांट इवन इमेजिन। ओके 60 लाख की उन्होंने गाड़ी में घूमेंगे, 5 स्टार में खाना खाएंगे, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। मैं उनके साथ एक दिन रहा था, आई वाज लाइक कि जिंदगी हो तो ऐसी भाई, सात्विक आई थिंक उन्होंने भी लोन लिया है ना। उनका भी लोन का इशू है, आई थिंक वो वीडियो देख भी रहे होंगे, उनका भी लोन का इशू है, और वो ही चैलेंज है उनको कि लोन चुकाना है, बराबर, लोन चुकाना चैलेंज बन जाता है क्योंकि लोन सैटर्न चुकाना चैलेंज एग्जॉल्ट हो बन रहा है जाता है। और मैंने एग्जॉल्ट। उनको वॉर्न भी किया कि आपका चार्ट है हर्षद मेहता की जरा सेम है बिल्कुल, सो प्लीज लोन को थोड़ा निकाल दीजिए, बट आई विल गेट इट ऑफ, उनका अंधा पैसा है भाई बराबर दैट्स नॉट एन इशू। बट सेकंड हाउस में जो 6 लॉट चले आता है ना, तब इट गिव लोन्स इशू, चाहे आपके जितना मर्जी पैसा हो बट आपको लोन की प्रॉब्लम आई जाती है, आदमी का पैसा होगा भी फिर भी वो देगा नहीं।
such a combination it is. But 12th house Venus luxury is the best. Secondly, इस चार्ट में सबसे मेन पॉइंट व्हिच आई वांट टू शेयर इज, इस चार्ट में आप देखिए मर्कुरी केतु इज कंबाइंड विद जुपिटर. यस, मर्कुरी केतु को और भी दो तीन बार बताया हुआ है दैट दिस कॉम्बिनेशन इज द मैथमेटिकल प्रोडिजी. यस, जिन लोगों को नंबर्स से प्यार होता है, जो नंबर्स के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे कोई नहीं खेल पाता, या जो बचपन से ही कोडिंग में होते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं प्रोडिजी बच्चा है कि पैदा होता है इसको कोडिंग आ गई थी, बराबर. ये मतलब ऐसे मैथमेटिशियंस जो माइंड में कैलकुलेशंस कर देते हैं, दैट्स मर्कुरी केतु. बराबर. और यहाँ पे तो जुपिटर भी साथ है, सच अ वेरी पावर, मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन. ओके, लाइक शकुंतला देवी नाम सुना होगा, ह्यूमन कंप्यूटर. यस, उनके पास मर्कुरी केतु कॉम्बिनेशन था और दैट वाज द रीजन बिहाइंड हर सक्सेस इन एस्ट्रोलॉजी. क्योंकि उस टाइम पे जब काल चक्र दशा कैलकुलेट करने को किसी को एक घंटा लग जाता, वो एक मिनट में कर देती थी. बाप रे. और उसके बाद अगर काल चक्र दशा आपने कैलकुलेट कर दी तो आपको सिर्फ क्वांटम जंप देखना है. कि हाँ यहाँ पे क्वांटम जंप हुआ, दिस वाज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड ऑफ योर टाइम. और वो कभी गलत नहीं होता, एक मिनट में आप ऐसी प्रेडिक्शन दे सकते हो काल चक्र दशा से, क्लाइंट विल बी शॉक्ड. तो सिर्फ कैलकुलेशन एक मिनट में करनी और आपको प्रेडिक्शन देनी थी. तो इसलिए हर सक्सेसफुल सो हाई. अब मुझे नहीं पता कालचक्र दशा यूज करते हैं, बट कोई भी दशा यूज करनी होगी जहां पे कोई 20 मिनट लगाएगा वो एक मिनट में कर रही है. बराबर. एडवांटेज इज देयर. बट या दैट वाज द पावर ऑफ मर्कुरी केतु कॉम्बिनेशन. यहां पे जुपिटर भी साथ है. एंड वन मोर थिंग, जो इनका D9 चार्ट देखो आप, नाउ पीपल विल से D9 में योग नहीं देखते हैं, दैट्स व्हाट परंपरा टीचर्स अस. ओके, D60 में योग नहीं देखते हैं. आई एम लाइक, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो देखूंगा क्योंकि मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं और मैं देखता चलूंगा. Yes. मुझे फर्क नहीं पड़ता. 10th house Venus, Capricorn Venus, best combination for black money. दाऊद इब्राहिम का चार्ट देखिए, Capricorn Venus. जितनों के पास भी दो नंबर पैसा है, सारे Capricorn है 10th house Venus लेके आते हैं, मैक्सिमम पीपल. हर्षल मेहता के D9 में 10th house Venus है. बराबर, 10,000. That was the reason कि उनके पास वो इतना illegal जो money होता है ना. Scorpio. That was the reason कि वो illegal money के scandal में इतना फंस गए. बराबर. Secondly, look at the Raj Yogan D9. 10th Lord Mars is conjunct Jupiter and Mercury. With Ketu. Ketu is the flag. केतु जिस भी प्लैनेट के साथ जाएगा उसकी सिग्निफिकेशन को बहुत ऊंचा कर देगा. मर्कुरी के साथ गया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, जेमिनी साइन क्या होता है ट्रेडिंग का, मर्कुरी भी कार का है ना, बिजनेस का, बहुत ही ऊपर ले गया. जुपिटर के साथ गया तो सिद्धि या मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही ऊपर लेके जाता है. फ्लैग है वो, जिस प्लैनेट के साथ जाएगा उसको ऊपर खींच लेगा. सही में. तो इनके तो केतु के साथ D9 में तीन प्लैनेट कंजंक्ट है, वो भी 10th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड, 5th लॉर्ड ऑफ स्पेकुलेशन इन स्टॉक मार्केट, 8th लॉर्ड ऑफ सडन मनी. जो भी हाउसेस पैसे या सडन मनी या स्टॉक मार्केट के लिए एक चार्ट में देखने होते हैं, उसके सारे लॉर्ड्स कंजंक्ट हो गए 3rd हाउस में केतु के साथ. वेरी वेरी पावरफुल राजयोग, नॉर्मल चार्ट नहीं है ये. लगन लॉर्ड खुद जाके 11th हाउस में बैठा हुआ है D9 में, इन सेजिटेरियस साइन. ओके, तो दिस चार्ट वाज ऑब्वियसली वेरी स्पेशल. या इनके चार्ट में एक और कॉन्ट्रोवर्सी आती है, इनकी डेथ की. इनकी डेथ कैसे हुई, कुछ लोग बोलते हैं इनको मारा गया हुआ है. I want to clear it. It was a heart attack only. कोई ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मार्स राहु कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन फॉर कैंसर नंबर वन. मार्स राहु कॉम्बिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन फॉर हाई बीपी एंड ब्लड प्रेशर. हाई बीपी एज पर नाड़ी. बराबर. सबसे मेन मार्स राहु इज द मेन कॉम्बिनेशन फॉर हार्ट अटैक्स. किसी का 6th हाउस में मार्स राहु था इन D9. 6th हाउस इज द मदर सिबलिंग, 4th से 3rd. माई स्नैपशॉट प्रेडिक्शन वॉज आपके मदर के सिबलिंग को हार्ट अटैक आया, बहुत जबरदस्त वाला. इट वॉज बैंग ऑन. एक और चार्ट देख रहा था मैं, मार्स राहु इन द 4th, प्रेडिक्शन करी हार्ट अटैक की, आफ्टर 1 month द नेटिव वॉज इन द हॉस्पिटल. मार्स राहु कॉम्बिनेशन कैंसर साइन को इन्फ्लुएंस करके 4th हाउस को इन्फ्लुएंस कर गया, 4th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर गया, फॉर श्योर इट विल गिव हार्ट अटैक. तो इनके तो चार्ट में 4th हाउस ऑफ हार्ट में ही मार्स राहु बैठा हुआ है. एंड वो 4th लॉर्ड जुपिटर को भी एस्पेक्ट कर रहा है. बराबर. और सैटर्न भी 4th को देख रहा है. तो सैटर्न का एस्पेक्ट 4th में, मार्स राहु 4th में, मार्स राहु
जुपिटर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फोर्थ लॉर्ड है, 101% आई कैन गारंटी उनको हार्ट अटैक ही आया था. इट वॉज नॉट पॉइजनिंग और मर्डर और समथिंग लाइक दैट, हार्ट अटैक ही था. ओके, वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है उनसे रिलेटेड. सो दिस वॉज अ स्मॉल एनालिसिस ऑन हर्षद मेहता चार्ट. मोर ओवर काफी टेक्निक शेयर करी है, मतलब मुझे लगता है कम से कम 15-20 टेक्निक शेयर करी है. आपको एक एक टेक्निक को लिख के नोट्स बना के उसको टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट इट. तो अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है तो आपको नॉन एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर दोनों आने चाहिए. नॉन एस्ट्रोलॉजी फैक्टर मतलब फाइनेंस, आपको सब पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी कौन सी है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसके रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है. बिजनेस रिस्क तो इज इम्पॉर्टेंट, बिजनेस रिस्क बिना जाने आप कुछ नहीं कर सकते हो. लिटिगेशंस क्या है, ये सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं. फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है आपके मुहूर्त में, मतलब आपकी कौन सी दशा में इन्वेस्ट करनी है, कौन से ट्रांजिट में इन्वेस्ट करनी है, कौन से टाइम पे बाय करना है, उसमें एस्ट्रोलॉजी फैक्टर आपको हेल्प करेंगे. बाकी तो आपको नॉन एस्ट्रोलॉजी फैक्टर भी पता होने चाहिए. तो आई थिंक से देखा जाएगा. या सर एक और बात था कि हमारे पास गुजराती की काफी अच्छी बुक्स आई है, दो बुक्स. यस, एक ब्लैंक चार्ट के ऊपर है और ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने लिखी है जिनके गुरु उनको मारा करते थे अगर वो प्रेडिक्शन गलत करते थे. बराबर. और उनके गुरु ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि खाली कुंडली है, मुझे खाली कुंडली में बिना प्लैनेट्स के सिर्फ लगन राशि देख के 5 इवेंट प्रेडिक्ट करके दो और फेल होने का 0% चांस. फेल हुआ तो डंडे से मार पिटेगी. डेट गाय हैज रिटन 800 पेजेस बुक, 800 पेजेस की किताब लिखी है सिर्फ राशियों के ऊपर, एरीज टू पाइसेस. मतलब एक एक असेंडेंट कवर करा होगा कम से कम 80 पेजेस पे. yes. और एसबीसी की जो बेस्ट बुक्स हैं, तीन किताबें आई थिंक देसाई साहब की है, वो भी है देसाई साहब की तीन बुक्स हैं बेस्ट ऑन स्टॉक मार्केट इन एसबीसी, वो भी गुजराती में है. तो गुजराती वालों के लिए तो इतना अपॉर्चुनिटी है सीखने का. बट एनी ऑफ यू गाइज नोज अ गुड गुजराती ट्रांसलेटर तो प्लीज कॉन्टेक्ट करिए. हाँ, क्योंकि दो बुक है, एक नवीन भाई सवेरे की मेष थी मेन तक, सेकंड है सर्वोत्तम भद्र चक्र इनकी, परेश देसाई की, तो आप ले लो, आप कर सकते हो. आपको मतलब जिसको भी गुजराती आती हो पढ़ ले, सबसे बेस्ट बुक है. बट उस बुक में ओपनली कुछ नहीं है, तब आपको डिकोड करना पड़ेगा. तो वो आप बुक पढ़िए. तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है. तो आई थिंक मैंने बोल दिया कि सात्विक ने चैनल ओपन किया, तो प्लीज सब्सक्राइब हिज चैनल, मैं लिंक भेज देता हूँ. ओके, थैंक यू.